परिचय देने के पहले सर्वप्रथम परिचय की चार पंक्तियां कहना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि जो परिचय मेरा है वही आपका भी होगा। कि कुछ दिन जाते नहीं तो मेहमान हो जाते हैं, कुछ दिन जाते नहीं तो मेहमान हो जाते हैं, हम सिर्फ देश को गाते नहीं बल्कि जीते हैं, हम सिर्फ देश को गाते नहीं बल्कि जीते हैं, हमें चिंता नहीं है आसमानी ऊंचाइयों की, हमें चिंता नहीं है आसमानी ऊंचाइयों की, इस देश की मिट्टी में बहुत सुकून मिलता है, इस देश की मिट्टी में बहुत सुकून मिलता है। मेरा नाम अवि सकलेचा है और आज मैं एक कविता करना चाहता हूँ जो आभार व्यक्त करना चाहती है हमारे देश के उन महापुरुषों पे जिनसे हमें कुछ सीख लेना चाहिए, और आभार हमें व्यक्त करना चाहिए जिस तरह यहाँ का कि आज हम यहाँ आकर बोल पा रहे हैं। तो मैं सर का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जीत हार अपनी जगह है। तो मैं बिना किसी भूमिका के पंक्तियों को शुरू करने की कोशिश करता हूँ। अग्नि में पाक सी शस्त्रों में कटाक्ष सी, कवि के लिए कटाक्ष सब कुछ होता है, वही शस्त्र है। अग्नि में पाक सी शस्त्रों में कटाक्ष सी, शास्त्रों में मर्यादा सी नैन होना चाहिए, शास्त्रों में मर्यादा सी नैन होना चाहिए, हाथों में तिरंगा लेके खड़े हैं सैनिक, हाथों में तिरंगा लेके खड़े सैनिक, अभी चाहे उनका सम्मान होना चाहिए, अभी चाहे उनका सम्मान होना चाहिए, और प्रीत चाहे किसी से भी हो मेरे यारो, प्रीत चाहे किसी से भी आपकी हो, सर्वप्रथम देश से प्यार होना चाहिए, सर्वप्रथम देश से प्यार होना चाहिए। कविता शुरू करता हूँ, ये मेरी भूमिका थी। पर पीर देख के औरों की पीर, पर पीर देख के नीर बह जाए ऐसे वीर से नेत्र होना चाहिए, पर पीर देख के नीर बह जाए ऐसे वीर से नेत्र होना चाहिए, सांसारिक विषमताओं पे जो फूट पड़े कवि हृदय से नेत्र होना चाहिए। वही कवि है जो औरों की पीर को देखकर भी रो देता है, हास्य में भी रुला सकता है कि और दुख में जो खिलखिलाए, दुख में जो खिलखिलाए सुख में भी चिलचिलाए, पिता जैसे पावन पुनीत नेत्र होना चाहिए, पिता जैसे पावन पुनीत नेत्र होना चाहिए, उन्हें देख बेटे की आंखें शर्म से झुक जाए, उन्हें देख बेटे की आंखें अदब से झुक जाए, बेटों की मनोविवेकी नेत्र होना चाहिए, बेटों की मनोविवेकी नेत्र होना चाहिए। हम कैसे नेता चाहते हैं निज क्षेत्र पर क्षेत्र का भविष्य विकास देख सके, ऐसे पेचीदा नेत्र होना चाहिए, ऐसे पेचीदा नेत्र होना चाहिए। किसे साधु मानेंगे, नैन में नैन डार के इबादत उसकी कर ले, नैन में नैन डार के इबादत उसकी कर ले, ऐसे अल्लड़ फकीर नेत्र होना चाहिए, ऐसे अल्लड़ फकीर नेत्र होना चाहिए। और क्यों कहते हो बेटी सूर्य सी तप तू, बेटों की भी आंखें पावन पुनीत होना चाहिए, बेटों की भी आंखें पावन पुनीत होना चाहिए। और जो नेत्र नारी को सम्मान नहीं दे पा रहे, जो नेत्र नारी को सम्मान नहीं दे पा रहे, अभी चाहे अब वो खाक होना चाहिए, अभी चाहे अब वो नैन खाक होना चाहिए। इस चमन के खातिर जान भी हंस के दे, इस चमन के खातिर जान भी हंस के दे, भगत सिंह जैसे निडर हठी नेत्र होना चाहिए। एक एक महापुरुष के लिए मुझे आपका प्यार चाहिए रहेगा कि उन्होंने क्या किया और क्या स्वाभिमान था उनका। प्लीज एक मिनट। हाँ, देश के स्वाभिमान को विश्व स्तरीय बना दे, सूर्य सी तप्ति विवेकानंद सी नेत्र होना चाहिए, चाहे परबर्ताने नैन फोड़े किंतु स्वाभिमानी नेत्र से लड़े पृथ्वीराज जैसे नेत्र होना चाहिए। राजकुल हित हेतु निज कुल को त्याग दे, राजकुल हित हेतु निज कुल को त्याग दे, पन्नाधाई जैसे बिरबलदाई नेत्र होना चाहिए, पन्नाधाई जैसे बिरबलदाई नेत्र होना चाहिए। जो हर में चल के
जो घर में भले ही जली लेकिन जला गई उस खिलजी को, जो हर में भले ही जली लेकिन जला गई उस खिलजी को, पद्मिनी से पावनतम नेत्र हो न चाहिए। चंडिका खबर ले कर दिया शत्रु विनाश, चंडिका खबर ले प्यासा किया शत्रुओं को, वीरांगना लक्ष्मी जैसे नेत्र होना चाहिए। चेतक संग ओछ से श्रृंगार किया हल्दी घाटी का, चेतक संग ओछ से श्रृंगार किया हल्दी घाटी का, वीर मेवाड़ी राणा जैसे नेत्र होना चाहिए, वीर मेवाड़ी राणा जैसे नेत्र होना चाहिए। धन्यवाद।